डिंडोरी जिले के एकमात्र दिव्यांग छात्रावास में रहने वाले छात्र कितने सुरक्षित है इसका अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि स्कूल के सामने से एक साइकिल चालक दिव्यांग छात्र को टक्कर मारकर चला गया और प्रबंध अपनी व्यवस्थाओं का रोना रोता रहा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खबर में। बताया जा रहा है कि दिव्यांग छात्रावास में रहने वाला सातवीं के छात्र सरजू पट्टा को शाम को स्कूल से निकलकर छात्रावास जाते समय किसी साइकिल चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल दिव्यांग छात्र को जिला अस्पताल लाया गया। बताया गया कि स्कूल और छात्रावास के बीच लगभग 700 मीटर की दूरी है और शहर के बाईपास सड़क को पार कर छात्रों को आना जाना पड़ता है। इस बीच छात्रों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता, सभी छात्र एक दूसरे के सहारे से ही आते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है जब दिव्यांग छात्रावास में रह रहे छात्र घटना का शिकार हुआ हो। इसके पहले भी छात्र घायल हुए हैं, लेकिन हमेशा ही प्रबंधन शासकीय व्यवस्थाओं की कमी बता अपना पल्ला झाड़ लेता है। अक्सर परेशानी तो ये आती है सर, हमारी यहाँ पे उन नहीं है, कक्षा में रहते हैं टीचर हमारे यहाँ, और जब चाहे बच्चे एक तो निकल जाते हैं, बच्चे मानते नहीं है। और अभी वर्तमान में जो स्थिति ये बनी है, 4:30 पे प्रार्थना हुई है, प्रार्थना के बाद 4:35 पे बच्चे निकले हैं, इतने में बच्चे का निकलना हुआ, उधर से हायर सेकेंडरी के बच्चों को साइकिल से आना हुआ और वो गलत दिशा से आने लगा वो, जिससे इसको धक्का लग किस तरह के गिर गया सर। इस घटना में भी स्कूल प्रबंधन धृत्य नहीं होने से ऐसी घटना होना बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है और जिम्मेदार अधिकारी भी कागजी कार्यवाही कर मौन साध लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवार न्यूज, डिंडोरी।